बहुत शुक्रिया। आप लाखों के लिए इंस्पिरेशन है, जितने युवा कवि हैं सबके लिए, लाखों दिलों में आप राज करते हैं, बड़े बेबाक बड़े बेखौफ तरीके से आप अपनी बात रखते हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आज के कवियों को, आज के शायर? नहीं देखिए, अगर शायर या कवि चाहे हिंदी का हो या उर्दू का या किसी भी जुबान का हो, उसके आसपास शहर सुलग रहा है और वो श्रृंगार के गीत लिख रहा है, ऐसी गजलें लिख रहा है जो जिसका ताल्लुक मोहब्बत और इश्क से और औरत से, मैं समझता हूँ कि वो अपने फ़र्ज के साथ अपने फ़न के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। शायर समाज का दर्पण होता है, उसकी शायरी का एक एक लफ्ज़ आईना होता है समाज का, और उसमें उसे वही चीज़ें दिखाना चाहिए जो वो महसूस कर रहा है। शायर के आसपास जो कुछ माहौल होता है, शायरी उसकी शायरी उसी माहौल की देन होती है। मैं अपने शायर दोस्तों से यही कहूँगा कि आपकी आवाज़ का इंतज़ार करती है अवाम, आपके आवाज़ का इंतज़ार करता है आपका मुल्क, आपकी आवाज़ का आपकी कलम का इंतज़ार करती है आपकी आपकी दुनिया। तो मैं अगर आप अपना फ़र्ज़ अदा नहीं कर रहे हैं तो अपने फ़न के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं।